Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gaurav and let's begin. तो गाइस ये हाउ टू सीरीज का थर्ड एपिसोड है जिसमें हम जानेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर योर प्रो मोड इन सैमसंग गैलेक्सी M31S. कॉन्फ़िगर से मैं समझाना चाहूँगा आपको कि ISO कैसे क्या रखें, शटर स्पीड क्या रखें, वाइट बैलेंस क्या है, और हम इस बेसिक्स भी जानेंगे कैमरा के कि मान लो आपको नॉर्मल कैमरा से ही शूट करना है तो उसमें ISO क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, वो सब हम जानते हैं. तो चलते हैं सीधे प्रो मोड में जाएंगे. कैसे? गो इन टू मोर, देन टैप ऑन प्रो. तो ये हम प्रो मोड में आ गए हैं. तो प्रो मोड में सेटिंग्स की हम बाद में कभी बात करेंगे, नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं. पहले बात करते हैं फ्लैश की. फ्लैश भी ऑन और ऑफ. फिर टाइमर आता है आपको, मान लो आपको सामने जाके खड़े होकर फ़ोटो खींचनी है तो यू कैन सेट टाइमर फॉर 2 seconds, 5 seconds और 10 seconds. ठीक है. फिर आता है रेशियो. रेशियो में मैंने भी कर रखा है 16:9, और ये सपोर्ट करता है 1:1 फॉर इंस्टाग्राम एंड 4:3 जो नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए होता है. देन आता है हमारा फुल होता है 20:9. ठीक है. तो जो आपको सूट करे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप कर सकते हैं. फिर आती है मीटरिंग. ये जो होती है ये मीटरिंग होती है. ओके. मीटरिंग जो है हमारी अभी सेंटर वेटेड है. अब सेंटर वेटेड में क्या होता है, अभी आपको मेरे को ग्रिड्स दिख रहे होंगे मेरे उस पर, तो ग्रिड के हिसाब से जो सेंटर में होगा उसको वो सबसे ज़्यादा फोकस करेगा. अगर सेंटर वेटेड है तो सेंटर में सबसे ज़्यादा फोकस करेगा. फिर आते हैं हम दूसरे मोड में जो आपका स्पॉट मोड है. स्पॉट मोड में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप टैप करोगे तो वो उसके अराउंड सब ब्लर करने की कोशिश करेगा. मतलब उसके लिए मेन ऑब्जेक्ट रहेगा जो आपने ऑब्जेक्ट फोकस में लिया है. ठीक है. वो उसको एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा कि हमें इसकी फ़ोटो लेनी है. फिर चीज़ क्या आती है, वो होती है मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए मेरे को एक लैंडस्केप शॉट लेना है. फॉर से यू आर ऑन अ बीच एंड बीच में खड़े हैं आप, सनसेट की फ़ोटो खींच रहे हैं, तो आपके लिए ओशन भी इम्पॉर्टेंट है, सनसेट भी इम्पॉर्टेंट है एंड स्काई भी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज तीनों चीज़ मिला के ही आपका एक अच्छा लैंडस्केप फ़ोटो आएगा. तो उसके लिए हम मीटरिंग लेते हैं. ओके. फिर अब हम बात करते हैं जो ISO शटर स्पीड के बारे में. तो फर्स्ट लेट्स टैप ऑन ISO. अब ISO क्या होता है, जितना कम ISO उतना डार्क. जैसे आप ISO बढ़ाते जाएंगे वैसे ही चीज़ें लाइटन अप होती जाएंगी आपके उसमें. ठीक है. देख लीजिए लाइट बढ़ रही है. और से जितना कम आपका ISO उतना डार्क आपका इमेज आएगा, जितना ज़्यादा आपका ISO उतना आपका इमेज ब्राइटन अप होगा, लाइट फिल होगी उसमें. तो जब हाई ISO होगा तो हम यूज़ करेंगे स्टार्स की फ़ोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, गैलेक्सी की फ़ोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ जब हमें स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफी करनी होती है तो उसके लिए भी हम ISO हाई रखते हैं. वेयर एज फॉर वाइल्ड लाइफ एज वेल वी कीप द ISO हाई. नेक्स्ट आते हैं हम शटर स्पीड पे. अब शटर स्पीड क्या होती है कि अभी ये लिखा हुआ है 1:1000. ये 1 सेकेंड का 1000 वाले हिस्से में ये क्लिक करेगा. ओके. तो मान लीजिए आपके सामने से एक कोई एनिमल पास हो रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई कार जा रही है, फास्ट कार है, सुपर कार है, तो उसको आपको एकदम स्टिल इमेज करनी है तो आप 1:6000 कर देंगे. तो वो 1 सेकेंड के 6000 वाले हिस्से में वो आपकी इमेज क्लिक कर लेगा. और जैसे ही आप शटर स्पीड बढ़ाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो लॉन्ग ट्रेल्स आएंगी. तो जितना ज़्यादा शटर स्पीड उतना ऑब्जेक्ट स्टिल मिलेगा आपको, और जितना कम शटर स्पीड और जितना ज़्यादा टाइम लेगा वो, और से आपके उसमें आ गया 10 सेकेंड्स, तो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा और ऑब्जेक्ट की उतनी ज़्यादा ट्रेल्स आएंगी. तो मान लीजिए आपको स्टार्स की ट्रेल शूट करनी है और व्हीकल्स की ट्रेल शूट करनी है तो उसके लिए शटर स्पीड ये सही रहेगा एकदम ही. अब बात करते हैं स्टैंडर्ड की. तो स्टैंडर्ड फीचर्स में मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ, बिकॉज ये जो डिफ़ॉल्ट हैं ये सब सही हैं. ठीक है. आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट फॉर मी इट्स फाइन. अच्छा, अब हम आते हैं ऑटो फोकस पे. ऑटो फोकस क्या करता है कि जो 15 से 20 मीटर बाद जो भी चीज़ है वो उसको फोकस में लेता है. पर से मैं भी इसको मैनुअल कर दूँ अगर मैनुअल में, तो अभी इसके फोकस में रहेगा, जो पीछे सब कुछ चीज़ है वो सब फोकस में रहेगी. पर अगर मैं इसको कम कर दूँ तो ये आ गया मैक्रो शॉट. ये देखिए सब कुछ दिख रहा है मैक्रो शॉट. यही इसके साथ साथ मैंने अगर ये फोकस बढ़ा दिया तो ये पीछे का एक्सपोजर लेने लगता है फिर. ठीक है. तो ये है मैनुअल और ऑटो फोकस. वाइट बैलेंस क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट की कितनी वॉर्म्थ है. ओके.
तो के का मतलब यहाँ पे केल्विन है, ये केल्विन में नापा जाता है। और जितना कम इसका होगा, जितना कम आप रखोगे उतना ही ये ब्लूइश हो जाएगा। अब देखिए कैसा लग रहा है कि मैंने एकदम ब्लू फिल्टर लगा दिया आगे एंड एकदम पूरा ब्लू हो गया है। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा, फुल कर दूंगा तो एकदम पूरा वार्म हो जाएगा, क्या एकदम बहुत ही सनी स्कॉचिंग वेदर है एकदम ही। तो आपने यूज़ के हिसाब से अभी मेरे को सही लग रहा है, ये थोड़ा ब्लू हो गया, ये थोड़ा सही लग रहा है कि यहाँ थोड़ा नेचुरल शॉट आ रहा है मेरे को इसमें, ठीक है। अब बात रही आपके ये लास्ट ईवी की, तो ईवी पे हम किसी और हाउ टू में बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन।